इधर कौशाम्बी में पुलिस ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फिंगर डिवाइस, 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल समेत अन्य सामान जब्त कर लिया है। इस गिरोह का मुख्य सरगना सुनील गुर्जर पशुधन घोटाले में पहले ही जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उससे फ्रॉड का पैसा मंगा करके उसे निकाल लेते थे। जो आज 3 लोग पकड़े गए हैं उसमें एक है पीयूष श्रीवास्तव जो तालकटोरा जनपद लखनऊ के रहने वाले हैं, दूसरा है ये असुल अवस्थी, ये भी वहीं का लखनऊ का रहने वाला है, और तीसरा नसीराबाद जनपद अजमेर राजस्थान का रहने वाला है जिसका नाम रंजीत है। जो इनका सरगना है वो सुनील कुमार गुर्जर उर्फ मोंटी है जो वहीं नसीराबाद अजमेर का रहने वाला है, पहले कई फ्रॉड में जेल गया है, एसटीएफ ने इसको पशुधन घोटाला में भी जेल भेजा है। तो इनसे विस्तृत पूछताछ हुई है और इसी आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके पास से 1 अदद फिंगर स्कैनर डिवाइस, 1 लैपटॉप, 2 अदद एक ही आधार नंबर के अलग अलग नाम के कूटरचित आधार कार्ड व 4 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। इनके पास से एक होंडा सिटी कार भी बरामद की गई है। इसमें हम इनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं।